Hello everyone, I am Dr. Shafila. Welcome to Sessions on Environmental Studies provided by IGNU Toast. Environmental Studies is one of the subjects of graduation courses of IGNU. So let's start with the first question of session 95. That is, the highest moisture content is in. So you have four options, four kind of waste. Aapko batana hai, inme se kis mein the moisture content jo hai wo zyada hai. Options are garbage, rubbish, हॉस्पिटल वेस्ट या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट. अगर हम गार्बेज की बात करें, नॉर्मली जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसको हम लोग गार्बेज बोलते हैं, ठीक है. रबिश जो है दैट इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल. इट मे बी प्लास्टिक, इट मे बी पेपर, द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स, हर तरह का वेस्ट जो है दैट कम्स टू द कैटेगरी ऑफ रबिश. सो हॉस्पिटल वेस्ट में आपका मेनली द कॉटन सिरिंजेस या आपके ग्लव्स या कॉटन स्वैब्स है ना, ये दिस काइंड ऑफ ब्लड टिश्यूज, सो दीज आर द वेस्ट विच आर जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल. एग्रीकल्चरल वेस्ट की बात करें सो दैट मे इंक्लूड मैन्योर, ऑल्सो दैट मे इंक्लूड सॉइल्स या आपकी मड सॉइल, या फिर आपका जो बगास है, या आप जब क्रॉप काटते हो दो स्टबल है तो ठीक है. सो दीज आर द वेस्ट विच जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. सो इनमें से हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट किसका है? सो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल वेस्ट का, क्योंकि उसका जो वेस्ट है वो कहीं ना कहीं सॉइल या प्लांट से रिलेटेड है. सो आंसर इज डी, दैट इज एग्रीकल्चरल वेस्ट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइकली करेक्टरिस्टिक ऑफ हैजर्डस वेस्ट. हैजर्डस वेस्ट की करेक्टरिस्टिक आपको बतानी है. ऑप्शंस आर इग्नाइटेबिलिटी, कोरोसिविटी, रिएक्टिविटी या एनी ऑफ द अबव, ठीक है. इग्नाइटेबिलिटी का मतलब है कोई भी आपका मटेरियल जिसमें कैपेबिलिटी है फायर कैच करने की, ठीक है. ड्यूरिंग तुम कुछ भी उसका तुम स्टोरेज कर रहे हो, या उसको तुम कहीं पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, या उसको यूज कर रहे हो, या उसको डंप कर रहे हो, मतलब कोई भी तुम इसमें से कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो और उस मटेरियल में कैपेबिलिटी है टू कैच फायर, दैट इज इग्नाइटेबिलिटी. कोरोसिविटी मीन्स उसमें कोरोजन की कैपेबिलिटी है, मतलब वो ऐसा वेस्ट है जो कि किसी के, अगर तुम उसको किसी आयरन के वेसल में रखो तो वो कोरोजन करेगा, या किसी मेटल के वेसल में रखो तो वो कोरोजन कर सकता है. मतलब उसमें उस मटेरियल में कोरोजन करने की, जंग लगाने की कैपेबिलिटी है. रिएक्टिविटी बेसिकली कि वो किसी कंपोनेंट के साथ, किसी और चीज के साथ रिएक्ट करके वो हो सकता है फायर कैच करे, या रिएक्ट करके वो कोरोजन करे. सो मतलब उसकी कैपेबिलिटी है किसी और कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करने की. जो आपके हैजर्डस वेस्ट होते हैं, नॉर्मली इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको हम लोग हैजर्डस वेस्ट कहते हैं. सो हैजर्डस वेस्ट जो है उसमें कैपेबिलिटी है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, वो इग्नाइटेबिलिटी उसकी एक करेक्टरिस्टिक है, वो कोरोजन भी कर सकता है, वो रिएक्ट भी कर सकते हैं. सो आंसर इज एनी ऑफ द अबव. हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट कैन बी मैनेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज. सो रेडियो एक्टिव वेस्ट विच इज जनरेटिंग द रेडियो एक्टिव रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन विच आर हाईली डेंजरस, ठीक है. सो अगर हमारे पास कोई ऐसा वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही निकलता है मेनली, या फिर तुम्हारी कोई साइंटिफिक लैब्स है जहां पे यू आर यूजिंग रेडियो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स. सो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है अगर आपके पास है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? क्या आप उसको ओपन में डंपिंग कर दोगे? सो डेफिनेटली नो, क्योंकि वो ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा लोगों को, बिकॉज इट इज हाईली डेंजरस रेडियो एक्टिव वेस्ट. कंपोस्ट ऐसे वेस्ट की तुम खाद नहीं बना सकते हो. इंसिनरेशन क्या होता है? इंसिनरेशन का बेसिकली मतलब होता है टू हीट एट हाई टेम्परेचर इन क्लोज्ड फर्नेसेस, ठीक है. सो हम लोग नॉर्मली आपका जैसे प्लास्टिक है, व्हेन वी हैव टू रिसाइकल द प्लास्टिक हम क्या करते हैं, उसको इंसिनरेटर में डाल देते हैं ताकि वो अंदर पिघल जाए, बर्न हो जाए और फिर पिघल जाए, ठीक है. सो इंसिनरेशन अगर हम कहें, जैसे आपका मोस्ट ऑफ द जो वेस्ट है, ठीक है, उसको भी हम लोग वेस्ट को, स्पेशली आपके गार्बेज को या आपके मतलब जो आप कह लो कि किसी किसी भी तरह का रबिश जो है, ठीक है,
अगर मुझे गार्बेज की मेनली बात करूं तो उसको मैं कैसे डंप करूंगी, उसको मैं कैसे ट्रीट करूंगी, मैं उसको डंप करने से पहले क्या करूंगी, इंसिनरेट करूंगी, स्पेशली गार्बेज की अगर बात करें, ठीक है। इंसिनरेट मतलब मैं उस गार्बेज को बजाय कि एज इट इज मैं अपने लैंडफिल में उसको पुट करूं, क्योंकि वो इतना सारा जगह भी वो वहां पे एक्वायर करेगा, बट आई विल इंसिनरेट इट, है ना। सो इंसिनरेट मतलब एक क्लोज फर्नेस है जिसमें मैं पूरा गार्बेज डाल दूंगी और वो जल जाएगा, जल के वो बहुत कम आपका अमाउंट जो उसका क्वांटिटी बहुत कम रह जाएगा, ठीक है। सो कम रह जाएगा मतलब ऐसे वेस्ट को मैं क्या कर सकती हूँ, इजिली डंप कर सकती हूँ। इवन हैजर्डस वेस्ट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसिनरेट, जिसके कारण आपका उसका वो उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो या फिर आपका बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका इंसिनरेट, क्योंकि इंसिनरेट जलने से क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी जो माइक्रोब्स हैं उनका इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा। अच्छा, तो अगर हम बात करें आपके हैजर्डस वेस्ट की, ठीक है। सो हैजर्डस वेस्ट को वी कैन इंसिनरेट, बट नॉर्मली व्हाट वी इंसिनरेट, इधर गार्बेज या आपका बायोमेडिकल वेस्ट। सो नॉर्मली हम इनको इंसिनरेट करते हैं, एंड इवन प्लास्टिक को भी हम इंसिनरेट करते हैं, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर हम हैजर्डस वेस्ट की बात करें, उसको पहले हम क्या करते हैं, पहले वी यूज टू ट्राई ट्रीट इट, पहले हम उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, देन वी कैन इंसिनरेट इट, देन वी डू इंसिनरेट इट इन फैक्ट, ठीक है, ताकि उसकी थोड़ी टॉक्सिसिटी भी कम हो जाए, क्लियर। सो डंपिंग इन सील्ड कंटेनर्स, सो यस, रेडियो एक्टिव वेस्ट को बेसिकली हम सील्ड कंटेनर में अगर डंप कर दें, ठीक है, और उसको अंडरग्राउंड कहीं पे हम लोग दबा दें, तो उसके इम्पैक्ट जो है वो लोगों पे, हम लोगों पे नहीं होंगे। सो बेस्ट वे टू मैनेज द रेडियो एक्टिव वेस्ट इज डंपिंग इन द सील्ड कंटेनर्स, क्योंकि उसकी खाद नहीं बन सकती, उसको तुम ओपनली डंप नहीं कर सकते, डेफिनेटली इंसिनरेट नहीं कर सकते। रेडियो एक्टिव वेस्ट को तुम जला नहीं सकते हो। किस किस को हम जला सकते हैं, इंसिनरेट कर सकते हैं, हम लोग इंसिनरेट कर सकते हैं प्लास्टिक को, जब मुझे प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करनी है, मैं इंसिनरेट कर सकती हूँ गार्बेज को, मैं इंसिनरेट कर सकती हूँ बायोमेडिकल वेस्ट को, एंड इवन द इंडस्ट्रियल वेस्ट, बट आफ्टर ट्रीटिंग इट, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, दैट इज डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट मे बी डिस्पोज ऑफ, बायोमेडिकल वेस्ट को तुम कैसे डिस्पोज ऑफ करते हो, बाय इंसिनरेशन, ट्रू। सो अगर मैं जला रही हूँ, देखो इंसिनरेशन बेसिकली द बर्निंग ऑफ द वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, कितना, मोर देन 900 डिग्री सेल्सियस, उस पे तुम वेस्ट को बर्न कर रहे हो। उससे आपके दो पर्पस सॉल्व होते हैं, नंबर वन उसके जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, वो आपके मतलब उनकी जो आप कह लो टॉक्सिसिटी है, या उसकी तुम कह लो कि जो इन्फेक्शंस हैं उस वेस्ट में, जो इन्फेक्शियस मटीरियल है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, इन्फेक्शियस जो कॉम्पोनेंट है वो कम हो जाते हैं, ठीक है, जब तुम जलाते हो। नंबर टू, जलाने से क्या है, अगर वेस्ट तुम्हारे पास 100% था, इट इज रिड्यूस टू 20% ओनली, तो अमाउंट ऑफ द वेस्ट जो है वो कम रह जाता है। सो बायोमेडिकल वेस्ट बिकॉज इट इज इन्फेक्शियस, सो वी डू इंसिनरेट इट, ताकि उसमें जो माइक्रोब्स हैं उनका एक्शन जो है वो कम हो जाए, वो एक्टिव ना रहे, वो इनएक्टिव हो जाए एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। ऑटोक्लेव क्या होता है, ऑटोक्लेव इज बेसिकली स्टरलाइजिंग, ठीक है। सो हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, आपके जो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके जो हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, या आपके गैजेट्स यूज होते हैं जिसमें सिरेंजेस हैं, या आपके ट्रेज हैं, या इवन सीजर्स हैं, सो ऐसी चीजों को हम क्या करते हैं, हम इनको स्टरलाइज करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं। सो बिफोर डंपिंग इट वी डू स्टरलाइज इट, एंड इवन वी कैन रीयूज इट आफ्टर स्टरलाइज, ऑटोक्लेव। सो बायोमेडिकल वेस्ट को तुम क्या करते हो, हम इंसिनरेशन एंड ऑटोक्लेविंग, सो आंसर इज बोथ बी एंड सी। लैंड फिलिंग हम कर सकते हैं लेकिन आफ्टर इंसिनरेशन, ठीक है। सो अगर वो आपका हार्मलेस हो जाता है, ओनली देन वी कैन पुट इट इन लैंडफिल, सो आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी, डी। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सबस्टांस और केमिकल। बायोडिग्रेडेबल मीन्स विच कैन बी डिग्रेड, विच कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ऑप्शन आर प्लास्टिक, ऑयल्स, पेस्टिसाइड्स, गार्बेज। सो प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑयल्स आर ऑल्सो लाइक सम ऑयल्स कैन बी डिग्रेडेबल बट नॉट ऑल। पेस्टिसाइड, सम ऑफ द पेस्टिसाइड्स कैन बी डिग्रेडेबल, बट इनमें से अगर मुझे बेस्ट चूज करना हो कौन सा बायोडिग्रेडेबल है फॉर ऑल द टाइम, दैट इज गार्बेज। बिकॉज गार्बेज, हमने बार बार कहा,
गार्बेज इज नॉर्मली द डोमेस्टिक वेस्ट, एंड डोमेस्टिक वेस्ट में नॉर्मली आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है। सो अगर मुझे इन चारों में से कंपेयर करना हो, आई वुड गो विद द गार्बेज। हाउएवर, अगर गार्बेज में भी आपका प्लास्टिक है, गार्बेज में भी अगर आपका मेटल है, तो वो आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बट गार्बेज में नॉर्मली हम लोग डोमेस्टिक वेस्ट की बात करते हैं, दैट उसका जो मेन पार्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट का जो मेन परसेंट है, दैट इज ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। सो ऑर्गेनिक वेस्ट इज आपका बायोडिग्रेडेबल, सो आंसर इज डी। सो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली कंपेरिजन बेसिस पे करने हैं, यू हैव टू थिंक। आप ऐसे ही आंसर नहीं टिक नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर एग्जैक्ट पता होगा कि वो टर्म का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ओनली देन यू विल बी एबल टू टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। सो लर्नर्स, दोज हु आर डूइंग ईदर पीजी और यूजी डिग्री फ्रॉम इग्नू, इग्नू दोस्त इज देयर टू हेल्प यू आउट। वी एट इग्नू दोस्त आर प्रोवाइडिंग लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, वी आर गिविंग वैल्यू एडेड नोट्स टू आर लर्नर्स, and we are also helping our mentees for exam through Exampedia. So in IGNU DOST, a continuous support from professional mentors is there who are helping in completing and submitting the assignments for the career development, for scaling the personal and social development also. For more details, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNU DOST. Thank you. See you in the next session.